हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब फिट एंड फाइन हैं. स्टूडेंट्स, आज हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ने वाले हैं, जो कि आपका सेकंड चैप्टर है 11th क्लास का. स्टूडेंट्स, इसके लिए मैंने एक कॉमन वीडियो बनाई है जो 9th क्लास के लिए भी एप्लीकेबल है और 11th क्लास के लिए भी एप्लीकेबल है. मैंने डिटेल में उसमें स्टडी की अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स. इट मीन्स उस वीडियो में मैंने कवर किया है अबाउट द हिस्ट्री ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड व्हाट इज़ द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ एटम. सो आज हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में डायरेक्टली वो पढ़ने वाले हैं जो आपके इस साल 11th के कोर्स में हैं. सो लेट्स सी अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. तो बच्चों, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. ओके, सो आई होप आप सब रेडी हैं. सो पिक अप योर पेपर एंड पेन एंड जस्ट फोकस ऑन द वीडियो एंड देन स्टार्टिंग मेकिंग द नोट्स यूजिंग दिस वीडियो. अगर हमें अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जाना, इफ़ यू वॉन्ट टू नो अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट के बारे में जानना है, तो बहुत ज़रूरी है टू स्टडी करना. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी द इंट्रैक्शन बिटवीन. बहुत ज़रूरी है कि हम स्टडी करें इंट्रैक्शन बिटवीन मैटर एंड लाइट. अगर हम मैटर और लाइट के बीच का इंट्रैक्शन स्टडी करेंगे तो हम अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ईजिली स्टडी कर सकते हैं. तो बच्चों, जिससे पहले हम इंट्रैक्शन को पढ़े, वी शुड नो अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या है. जब उनके बारे में जानेंगे तभी हम इंट्रैक्शंस के बारे में समझ सकते हैं और तभी हम इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट को समझ सकते हैं. तो लेट्स सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होता है. तो बच्चों, ध्यान से सुनिएगा. जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, मैं डे टू डे लाइफ की बात कर रही हूँ, आप उसको कोरिलेट कर सकते हैं. जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, मूव का मतलब मैं बात कर रही हूँ व्हेन दे मूव अप एंड डाउन, जब वो अप एंड डाउन मूव करता है, या फिर हम ये बोल सकते हैं वाइब्रेट कर रहा हो कंटिन्यूसली. अगर कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो उस केस में वो क्या करता है, वो रिलीज करता है एनर्जी. इट विल ट्रांसमिट एनर्जी. ओके, तो जब भी कोई मॉलिक्यूल वाइब्रेट करता है, पार्टिकल ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है, तो वो एनर्जी ट्रांसमिट करता है टू डिस्टिंक्ट प्लेस. कुछ एक्सटेंट तक वो एनर्जी को ट्रांसमिट करता है. जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ. सपोज़ ये वाटर है. ओके, इस वाटर में अगर आप स्टोन को थ्रो करेंगे, अगर इस वाटर में आप स्टोन को थ्रो करते हैं, तो अगर आप बच्चों देखोगे, आपने क्या किया है, इस ऑब्जेक्ट को इसके अंदर थ्रो किया है. जब इस ऑब्जेक्ट को आप थ्रो करेंगे तो बच्चों आप ऑब्जर्व करोगे कि इसके अंदर जब भी आप ये थ्रो करते हैं तो एक वेव्स प्रोड्यूस होती है, और ये वेव्स प्रोड्यूस होते होते पॉन्ड, अगर ये पॉन्ड है या वाटर बॉडी जो भी है, उसकी टर्मिनल तक, आउटर पोजीशन तक ये वेव्स मूव करती है. ठीक है, तो जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं, या फिर जब वो मूव करता है अप एंड डाउन, या फिर हम बोल सकते हैं जब ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है, तो वो क्या करता है, ट्रांसमिट करता है एनर्जी. ठीक है, तो मैंने एग्जांपल दिया है कि सपोज़ आप वाटर में, किसी पॉन्ड में अगर कोई स्टोन थ्रो करते हैं, तो उसमें आपको वेव्स दिखती है जो आपको टर्मिनल या फिर एंड ऑफ द पॉन्ड तक आपको ऑब्जर्व होती है. स्टार्ट यहाँ से होती है ऑब्जेक्ट से, और एंड ऑफ द पॉन्ड तक वो मूव करती हैं. ये जो वेव्स होती है इनको हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स. ओके, सो वी कैन सी दैट दिस इज द डिस्टर्बेंस एडवांस टूवर्ड्स इन द सेम फॉर्म एंड रीचेज द एज ऑफ द पॉन्ड. ओके, सो सच डिस्टर्बेंस इज नोन एज मैकेनिकल वेव. ठीक है बच्चों, तो इनको हम मैकेनिकल वेव बोलते हैं. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, ये जो मैकेनिकल वेव्स होती है, इनको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है. इट रिक्वायर्ड मीडियम
ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, जब भी ऑब्जेक्ट इंट्रैक्ट करेगा, जब भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा, तो वो एनर्जी ट्रांसमिट करेगा, जैसे कि हमने एग्जांपल दिया है, और हमको पता है कि इस एग्जांपल में एक मीडियम मतलब वाटर की रिक्वायरमेंट है, तभी ये वेव्स मूव कर रही है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो मैकेनिकल वेव्स है उसमें एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो आपको मैकेनिकल वेव के बारे में समझ में आ गया, तो अब हम चलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से कोरिलेटेड। सो लेट्स सी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती है। तो बच्चों अभी हम पढ़ रहे हैं अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मैकेनिकल वेव्स तो हमने देख लिया था, अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ रहे हैं। बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स हैं दे आर प्रोड्यूस्ड व्हेन अ चार्ज स्पीसीज, कोई भी चार्ज बॉडी होगी, ये कब बनेगा, जब चार्ज स्पीसीज या चार्ज बॉडी मूव करेगी, चार्ज बॉडी मूव इन मैग्नेटिक फील्ड, अगर कोई भी चार्ज बॉडी अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करती है, ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करती है तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होता है, या फिर हम बोल सकते हैं अ चार्ज पीस मूव इन अ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर मैग्नेट मूव करता है, मैग्नेट बॉडी की तरह काम कर रहा है, अगर मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है तब भी वो क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कब प्रोड्यूस होती है बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जब प्रोड्यूस होती है, जब कोई भी चार्ज स्पीसीज कोई भी चार्ज बॉडी मूव करती है थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड, या फिर हम कह सकते हैं अगर मैग्नेटिक मैग्नेट जो है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है तब भी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को फॉर्म करेगा। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। नाउ स्टूडेंट सेकंड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी कैसे बनता है हमें ये तो समझ में आ गया है, सेकंड पॉइंट आपको ये समझना है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है दे डू नॉट रिक्वायर मीडियम टू फ्लो, दे डोंट रिक्वायर्ड मीडियम, इनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसका मतलब ये वैक्यूम में भी, ये वैक्यूम में भी ईजीली फ्लो कर सकते हैं, सो दे डू नॉट रिक्वायर्ड, दे डोंट रिक्वायर्ड मीडियम। ओके, अगर आपको याद होगा तो अभी थोड़े सेकेंड्स पहले मैंने आपको बताया था कि मैग्नेटिक वेव्स में मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आपको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, दे डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम फॉर द प्रोपगेशन, मूव करने के लिए। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको ध्यान रखना है कि जब भी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस मूव करते हैं तो ये जनरेट करते हैं, व्हेन दे मूव दे विल जनरेट, ये जनरेट करेंगे इलेक्ट्रिकल फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड। जब भी चार्ज पार्टिकल्स मूव करता है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है। नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, अगर लाइट एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, सपोज लाइट एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, तो उस केस में बच्चों मान लीजिए कि इसके 90 डिग्री एंगल मतलब वाई एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड है, तो जो जेड एक्सिस होगा मतलब उसकी भी 90 डिग्री एंगल, हम परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो जिस डायरेक्शन में दैट चार्ज स्पीसीज पार्टिकल मूव कर रहा है, जो चार्ज स्पीसीज है ऑब्जेक्ट है पार्टिकल जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसके परपेंडिकुलर में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी एंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि तीनों ही, दैट इज प्रोपगेशन ऑफ पार्टिकल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये तीनों ही आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, ये तीनों ही आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब परपेंडिकुलर का मतलब समझते ना आप कि 90 डिग्री एंगल पे है एक दूसरे से। ठीक है, तो आपको कैसे प्रोड्यूस होता है समझ में आ गया, मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है और जब भी पार्टिकल मूव करता है, चार्ज स्पीसीज मूव करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, तो जो प्रोपगेशन है और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है तीनों ही आपस में परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, अब हम इनकी कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे। सो लेट्स सी द फ्यू मोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। नाउ स्टूडेंट्स द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज दैट
ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ट्रैवल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, ट्रैवल विथ दी वेलोसिटी ऑफ लाइट, मतलब ये लाइट की स्पीड से मूव करती है, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो किसकी स्पीड से मूव करती है, दे ट्रैवल विद दी स्पीड ऑफ और द वेलोसिटी ऑफ लाइट, ओके। और लाइट की स्पीड क्या होती है, लाइट की स्पीड हम सी से डिनोट करते हैं, और जो वेलोसिटी होती है वो इक्वल्स टू होती है 3 × 10⁻⁸ m/s। और आप इसको ये भी बोल सकते हैं 3 × 10⁻¹⁰ cm/s। अगर आप सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो 10⁻¹⁰ हो जाएगा, और अगर मीटर में ले रहे हैं तो 10⁻¹⁸ हो जाएगा। तो जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है स्टूडेंट्स, वो लाइट की स्पीड से मूव करती है, दे ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, और हमने लाइट की स्पीड यहाँ पे बता दी है, ठीक है। उसके बाद में बच्चों नेक्स्ट पॉइंट ये होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस होती है, दे कंसिस्ट ऑफ क्या क्या होता है आपको पता है? इसमें हमने अभी बताया था, इसमें इलेक्ट्रिक रेडिएशंस और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड्स होती है। तो दीज कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट, इनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स होते हैं, एंड वो क्या करते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। एंड दैट ऑक्सीलेट इन द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दिस इज आई रिटन परपेंडिकुलर साइन, परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन और टू द डायरेक्शन इन विच वेव ट्रेवल, मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन की हम बात कर रहे हैं। तो बच्चों कुछ भी नहीं है, फर्स्ट पैराग्राफ तो सिंपल कह रहा है कि जो ईएमआर होता है वो ट्रैवल करता है द स्पीड ऑफ लाइट, ही वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है। सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट ये कहता है कि जो जिस डायरेक्शन में वो प्रोपगेट कर रहा है, जिस डायरेक्शन में भी वो प्रोपगेट कर रहा है पार्टिकल ऑब्जेक्ट एनर्जी, जिस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है उसके परपेंडिकुलर में मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अगर ये इस डायरेक्शन प्रोपगेट कर रहा है तो उसके 90 डिग्री में राइट एंगल पे परपेंडिकुलर में मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर ट्रांसमिशन, दे डोंट रिक्वायर्ड मीडियम फॉर ट्रांसमिशन, इनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है फॉर ट्रांसमिशन। एग्जाम समझ में आया? तो जो भी रेडिएशंस होती है वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है। तो बच्चों मैं आपको अब थोड़ा सा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है उनकी सीरीज के बारे में बताती हूँ, और फिर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो वेव मोशन की है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो लेट्स सी द एग्जाम्पल्स एंड देन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन। सो स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर कॉस्मिक रे, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, एफएम, रेडियो वेव,
एक्सेट्रा। तो स्टूडेंट्स ये कुछ एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के। आई ट्राइड कि मैं इसको पर्टिकुलर सीरीज में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में ही लिखूं, सो आई हैव रिटन इन दैट वे ओनली। ओके, सो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में ये पर्टिकुलर पैटर्न हमें आगे भी काम आएगा स्टडी करने के लिए। तो दीज आर दी एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, और उनके तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक जो अभी इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन। वेव मोशंस आप ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, वेव लेंथ इनके बारे में जानते हैं आप। तो हम ज़्यादा डिटेल में ना जाके इनको समझने की कोशिश करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी है। तो बच्चों जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है वेव लेंथ। ओके, वेव लेंथ के बारे में आपको काफ़ी कुछ आइडिया आई एम श्योर। तो हम इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि वेवलेंथ होता है क्या है। तो बच्चों आप जानते हो जो भी रेडिएशंस होती है वो मूव करती है वेव के फॉर्म में, दे मूव इन अ वेव मोशन, राइट? दिस इज अ प्रोपगेशन ऑफ पर्टिकुलर लाइट। और जो वेव होता है इसको हम बोलते हैं क्रिस्ट, ST। ओके, क्रिस्ट। और जो नीचे का वेव होता है नेगेटिव साइड पे उसको हम बोलते हैं ट्रॉफ। डिस्टेंस बिटवीन टू क्रिस्ट और टू नेबरिंग ट्रॉफ इज नोन एज वेवलेंथ। तो जो दो नियरेस्ट एडजस्टेंट और नेबरिंग क्रिस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है और जो टू नेबरिंग ट्रॉफ का बीच का डिफरेंस है उसको हम वेवलेंथ बोलते हैं। और बच्चों वेवलेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ लैम्डा। ओके, तो हम इसको प्रोनाउंस कैसे क्या करते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन है लैम्डा, ठीक है? और उसका सिंबल है इस तरीके से। तो उस वेवलेंथ को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट, आई एम यूजिंग द सिंपलेस्ट वर्ड, टू नियरेस्ट क्रिस्ट और टू नियरेस्ट ट्रफ, ठीक है? तो टू नेबरिंग क्रिस्ट या टू नेबरिंग ट्रफ या टू नियरेस्ट क्रिस्ट या फिर टू नियरेस्ट ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम लैम्डा बोलते हैं, ठीक है? तो ये डेफिनेशन हो गई, हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है यूनिट पे। यूनिट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हमको यूनिट के बारे में पता होना चाहिए। तो जो यूनिट है लैम्डा की वो है, क्योंकि हम लेंथ की बात कर रहे हैं, हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो जो यूनिट है वो है इसकी सेंटीमीटर, ठीक है? आप इसको एंगस्ट्रॉम में भी ले सकते हैं, आप इसको माइक्रोमीटर में भी ले सकते हैं, आप इसको माइक्रोन में भी ले सकते हैं, आप इसको नैनोमीटर में भी ले सकते हैं। तो डिफरेंट यूनिट ऑफ लेंथ जो है वो वेवलेंथ के लिए काम ली जा सकती है, ठीक है बच्चों? तो आपको ये तो समझ में आ गया है कि डिस्टेंस बिटवीन क्रिस्ट और डिस्टेंस बिटवीन ट्रफ को हम वेवलेंथ बोलते हैं, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी यूनिट ये है। अब हम यूनिट कन्वर्जन्स के बारे में देख लेते हैं कि अगर हम एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो वैल्यूज़ क्या होगी। सो लेट्स सी द यूनिट कन्वर्जन फॉर दिस। So let's see the unit conversions. So students, I have told you that हमने already पढ़ लिया है कि जब भी कोई भी source object move करता है तो वो एक vibration form में move करता है, मतलब हम energy की बात कर रहे हैं, for example electron or any source of energy, ठीक है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे vibrating सोर्स, वो यहाँ से मूव कर रहा है, और जब मूव करता है तो वो वेव के फॉर्म में मूव करता है। जो अपर पोर्शन होता है पॉजिटिव लूप वाला उसको हम बोलते हैं क्रिस्ट, और लोअर को हम बोलते हैं ट्रफ, ठीक है? और डिस्टेंस होता है बिटवीन क्रिस्ट और डिस्टेंस बिटवीन ट्रफ जो होता है उसको हम वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है? और ये जो पोर्शन है इस पोर्शन को हम बोलते हैं नोड, जो इस लाइन को कनेक्ट करता है, इंटरसेक्ट करता है, उस पोर्शन को हम बोलते हैं नोड, ठीक है? और अगर इसको हम जीरो काउंट करते हैं तो ये पोल इसको हम पॉजिटिव पोर्शन मानते हैं और नीचे वाले को हम नेगेटिव मानते हैं, ठीक है? ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। सो स्टूडेंट्स अभी हम देखते हैं अबाउट यूनिट कन्वर्जन्स। सो स्टूडेंट्स
अगर आपके पास 1 एंगस्ट्रॉम दे रखा है, अगर आपको 1 एंगस्ट्रॉम दे रखा है, अगर उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो वो हो जाएगा 10^8 सेंटीमीटर। तो बट ऑब्वियस अगर मीटर में करना है तो कितना हो जाएगा, 10^-10 मीटर। ठीक है, अगर आपको 1 माइक्रोमीटर दे रखा है तो अगर आपको सेंटीमीटर में करना है तो वो हो जाएगा 10^-4 सेंटीमीटर, और अगर आपको मीटर में कन्वर्ट करना है 10^-6 मीटर। अगर आपको 1 नैनोमीटर दे रखा है तो आपको उसको अगर सेंटीमीटर में करना है तो 10^-7 सेंटीमीटर, अगर मीटर में करना है तो 10^-9 मीटर। ओके, अगर आपको सेंटीमीटर में दे रखा है उसको अगर आपको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है तो हो जाएगा 10^8 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और अगर आपको उसको माइक्रोमीटर में करना है तो हो जाएगा 10^4 माइक्रोमीटर, और अगर आपको उसको मीटर में करना है तो हो जाएगा 10^7 मीटर। तो बच्चों यूनिट कन्वर्जन्स जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है। तो आपको समझ में आ चुका है जब जो अभी तक हमने पढ़ा है उसके बारे में हम देख लेते हैं कि यहाँ पे एक वाइब्रेटिंग सोर्स है और कोई भी पार्टिकल, कोई भी एनर्जी इस तरीके से मूव कर रही है। ठीक है, ऊपर के पार्ट को हम क्रिस्ट बोलते हैं, नीचे के पार्ट को हम ट्रफ बोलते हैं, और जो डिस्टेंस होता है बिटवीन टू क्रिस्ट और टू ट्रफ उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ, राइट। और फिर मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे ये जो इंटरसेक्टिंग एरिया होता है इसको हम बोलते हैं नोड। ठीक है बच्चों, होती है इनमें 2 फेजेस है, एक एल्जेब्रिक पॉजिटिव साइन का, एक एल्जेब्रिक नेगेटिव साइन का। ठीक है, जो ऊपर के वेव से आप यहाँ पे जो मिड में ले रहे हैं ये 0 एम्पलीट्यूड की वेव ले रहे हैं, आप क्या ले रहे हैं, 0 एम्पलीट्यूड रीजन काउंट कर रहे हैं। और अगर वेव ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ मूव कर रही है तो हम उसको बोलेंगे एल्जेब्रिक पॉजिटिव साइन का वेव है वो। ठीक है, और अगर नीचे की तरफ वेव है तो हम उसको बोलेंगे एल्जेब्रिक नेगेटिव साइन का वेव है, और ये 0 एम्पलीट्यूड रीजन की वेव है। ठीक है, तो हम जहाँ पे इंटरसेक्टिंग एरिया है, जो मेन 0 पोर्शन एरिया है, उस पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, वहाँ पे हम उसको क्या बोलेंगे, उसको हम नोड बोलेंगे। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं वेव्स हैज 2 फेजेस, वेव हैव 2 फेजेस विद डिफरेंट एल्जेब्रिक साइन, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सेपरेटेड बाय 0 एम्पलीट्यूड रीजन, एंड दिस 0 एम्पलीट्यूड रीजन इज कॉल्ड नोड। ठीक है, अगर आप चाहते हैं मैं डेफिनेशन लिखूं तो मैं डेफिनेशन भी लिख देती हूँ। देखिए आप, द वेव हैज, ये जो वेव्स हैं इनके पास 2 फेजेस हैं, वेव्स हैव 2 फेजेस विथ डिफरेंट एम्पलीट्यूड, विथ डिफरेंट एल्जेब्रिक, with different algebraic sign, that is positive and negative sign, okay, and these are separated by 0 amplitude reason, एंड दिस 0 एम्पलीट्यूड रीजन्स इसको हम क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड नोड्स, इनको हम बोलते हैं नोड्स। ठीक है बच्चों, तो आपको आई होप ये टॉपिक समझ में आ गया है कि वेवलेंथ क्या होता है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है इसकी यूनिट जो कन्वर्जन्स है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और प्लस वेवलेंथ क्या होता है आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की तरफ जो कि है फ्रिक्वेंसी। सो लेट्स सी अबाउट दी फ्रीक्वेंसी। सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी अबाउट द फ्रीक्वेंसी। सो स्टूडेंट्स, अभी आपने देखा है वेव के अंदर कि जब भी कोई पार्टिकल होता है, एनर्जी सोर्स होता है, वो वेव मोशन में मूव करता है। ठीक है, तो अगर मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट को ले लूँ एट 0 एम्पलीट्यूड रीजन पे, पर्टिकुलर पॉइंट को ले लेती हूँ, आई एम यूजिंग ब्लैक पेन टू रिप्रेजेंट यू मोर क्लियरली, कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट, इस पर्टिकुलर पॉइंट से ये वेव्स कितनी बार पास हुई है, इस पर्टिकुलर पॉइंट से ये वेव कितनी बार पास हुई है उसको हम फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम एग्जैक्ट डेफिनेशन बोलें, देन इट इज़ डिफाइंड एज दी नंबर ऑफ वेव्स
ध्यान से देखिएगा, डिफाइन एज द नंबर्स ऑफ वेव्स विच पास थ्रू अ पॉइंट इन वन सेकेंड, एक सेकेंड में इस पर्टिकुलर पॉइंट से कितनी बार वेव्स पास हुई, कितनी नंबर ऑफ वेव पास हुई, उसको हम फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, अगर हम फ्रिक्वेंसी के रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो बच्चों फ्रिक्वेंसी न्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका प्रोनंसिएशन होता है न्यू। ठीक है, इसको हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर इसको मेजर करते हैं तो इसको मेजर किया जाता है इन द टर्म ऑफ साइकिल, और अब वेव भी वर्ड यूज कर सकते हैं, साइकिल ऑफ वेव्स पर सेकेंड, पर्टिकुलर सेकेंड्स में, एक सेकेंड में कितनी साइकिल्स हुई है, कितनी वेव इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास हुई है, या फिर आप इसको हर्ट्ज में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप इसकी जो यूनिट है वो हर्ट्ज में भी ले सकते हैं। अगर आप उसको साइकिल्स लेते हैं साइकिल के फॉर्म में, तो आप यहाँ पे यूज़ करते हैं एब्रिवेटिव फॉर्म एज CPS, अगर आप हर्ट्ज यूज़ करते हैं तो आप यूज़ करते हैं H कैपिटल एंड Z स्मॉल, तो ये यूनिट है इसकी। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेव्स विच पास थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट इन वन सेकेंड, इसको नोन एज फ्रिक्वेंसी, इसको न्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसकी जो हम यूनिट लेते हैं वो साइकिल पर सेकेंड पे या फिर हर्ट्ज के फॉर्म में ली जाती है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया। अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो देखिए जो फॉर्मूला है वो है लैम्डा न्यू इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रैवल इन वन सेकेंड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन वन सेकेंड। क्या है फॉर्मूला? लैम्डा न्यू इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रैवल इन वन सेकेंड, जो कि इक्वल्स टू होता है वेलोसिटी के, जो कि इक्वल्स टू होता है वेलोसिटी के। और बच्चों वेलोसिटी ऑफ लाइट को मैंने आपको पहले ही बता दिया है, वेलोसिटी को आप सी से डिनोट करते हैं, इसका मतलब आप क्या यूज़ कर सकते हैं, लैम्डा न्यू इज इक्वल्स टू सी, लैम्डा न्यू इज इक्वल्स टू सी। तो अब अगर आपको फ्रिक्वेंसी की वैल्यू निकलनी है तो आप सीधा लिख सकते हैं फ्रिक्वेंसी इज इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा, आप लिख सकते हैं फ्रिक्वेंसी इज इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, तो ये रिलेशनशिप है। और आप जानते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट तो कॉन्स्टेंट है, 3 × 10⁸, जो सी की वैल्यू है वो क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट, सी को हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू क्या है कॉन्स्टेंट, हम मान के चलते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसकी वैल्यू कॉन्स्टेंट है। ठीक है बच्चों, जो वैल्यू कांस्टेंट है तो उसका मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो आप अगर कांस्टेंट का साइन हटाएंगे तो एक प्रोपोर्शन का साइन लगेगा, तो लैम्डा सॉरी न्यू इज इक्वल्स टू 1/λ, क्या रिलेशनशिप निकल रहा है, न्यू इज इक्वल्स टू 1/λ। इसका मतलब फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, अगर फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है तो वेवलेंथ क्या होगा बच्चों, कम होगा। ठीक है, अगर फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है तो वेवलेंथ हमारे पास में कम होगा, तो ये रिलेशनशिप है, ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हमने यूनिट भी समझ ली है और हमने रिलेशनशिप बिटवीन भी और फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में रिलेशनशिप समझ चुके हैं और डेफिनेशन भी समझ चुके हैं। तो बच्चों ये इतनी सी बात है फ्रिक्वेंसी के बारे में, अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की तरफ चल रहे हैं जो कि है वेलोसिटी। सो स्टूडेंट, वेलोसिटी मीन्स डिस्टेंस कवर्ड इन वन सेकेंड, कितना डिस्टेंस कवर करता है दैट पर्टिकुलर सोर्स ऑफ एनर्जी वन सेकेंड में, उसको हम वेलोसिटी बोलेंगे। तो उसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इट इज़ अ डिस्टेंस कवर्ड इन वन सेकेंड, डिस्टेंस कवर्ड इन वन सेकेंड बाय द वेव, वेव एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा उतनी ही ज़्यादा वेलोसिटी होगी, और बच्चों इसको वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं बाय स्मॉल सी। ठीक है, आप इसको स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ध्यान दीजिएगा कि जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, ऑल EMR, मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बोलूँ या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलूँ एक ही बात है, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, वो ट्रैवल करती है विद सेम स्पीड, दे ट्रैवल विद
सेम स्पीड, वो सेम स्पीड के साथ में ट्रैवल करते हैं, सेम वेलोसिटी के साथ में ट्रैवल करते हैं। और वेलोसिटी कितनी है बच्चों, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो वेलोसिटी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और अगर आप सेंटीमीटर में लेते हैं तो 3 × 10⁻¹ सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो वो इस स्पीड से ही मूव करती है, ठीक है, उनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो कहीं से भी मूव करे, कहीं से भी मूव करे, वो हमेशा इस स्पीड में ही मूव करेंगे। तो हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एक ही स्पीड है, वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁻¹ सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला है, हम फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फॉर्मूला फ्रिक्वेंसी के अंदर। तो फॉर्मूला था लेमडा न्यू इज इक्वल्स टू सी, और सी की वैल्यू आपको पता है, तो लेमडा न्यू किसके बराबर होता है, 3 × 10⁻¹⁰ सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। दस हम ये कह सकते हैं, द वेव ऑफ हायर फ्रिक्वेंसी हैज़ द शॉर्टर वेव लेंथ, वेयर एज द वेव ऑफ लोअर फ्रिक्वेंसी हैज़, वेव ऑफ लोअर फ्रिक्वेंसी हैव लॉन्गर वेव लेंथ, ठीक है। इन दोनों के बीच में अपोजिटली इन्वर्सली प्रोपोर्शन का रिलेशनशिप होता है, इससे हम ये प्रूव कर सकते हैं। हम ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं कि सी की वैल्यू कॉन्स्टेंट है, मतलब इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसा होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शन, ठीक है। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन का रिलेशनशिप, अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ बट ऑब्वियस कम होगी, अगर ये कम हो रहा है तो दूसरा वैल्यू बट ऑब्वियस बढ़ेगा, ठीक है। तो ये ही इतनी सी स्टोरी है अबाउट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो बच्चों अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, इसी के अंदर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की तरफ चलते हैं, जो कि है आपके पास में वेव नंबर। सो स्टूडेंट्स लेट्स सी द वेव नंबर। तो बच्चों वेव नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ वेवलेंथ पर सेंटीमीटर, पर्टिकुलर सेंटीमीटर में। मान लीजिए ये हमारा एक पर्टिकुलर सेंटीमीटर है, इस पर्टिकुलर सेंटीमीटर में कितनी ज़्यादा वेव्स है। फॉर एग्जांपल मैंने ये एक लेंथ काउंट किया, ये 1 सेंटीमीटर फॉर एग्जांपल अज्यूम कर रहे हैं हम, ठीक है। इसके अंदर एक तो ये वेव जा रही, ठीक है, और एक ये वेव जा रही है। तो हम ये बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ वेवलेंथ इसमें कितनी है और इसमें कितनी है, उसके हिसाब से हम वेव नंबर डिसाइड करेंगे, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे हम देखेंगे तो वेवलेंथ क्या है, ठीक है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगर यहाँ पे हम आगे और ड्रॉ करें तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ हमें ये मिलेगा। तो हम ये बात कर रहे हैं नंबर ऑफ वेवलेंथ पर सेंटीमीटर सेंटीमीटर कितनी है, वो वेव नंबर डिसाइड करेगी। सो लेट्स सी द स्टूडेंट वेव नंबर की अगर डेफिनेशन की बात करें तो ये क्या है, नंबर ऑफ वेवलेंथ पर सेंटीमीटर, एक सेंटीमीटर में कितनी वेवलेंथ है, ठीक है। इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शन होना, ये रेसिप्रोकल है ऑफ लैम्डा, लैम्डा का ये रेसिप्रोकल है, ठीक है। और अगर इसकी यूनिट, सॉरी इसको डिनोट की बात करें तो हम इसको डिनोट करते हैं बाय न्यू बार। कैसे प्रोनाउंस करते हैं आप इसको, न्यू, क्योंकि न्यू हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फ्रिक्वेंसी में, और जो ऊपर हम हॉरिजॉन्टल लाइन लगा रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बार, तो न्यू बार। अब डेफिनेशन से समझ में आ गया ये क्या है, रेसिप्रोकल है लैम्डा का। तो न्यू बार मतलब वेव नंबर इज इक्वल्स टू 1/λ, न्यू बार इज इक्वल्स टू 1/λ। और अगर अब यूनिट फाइंड आउट करनी है तो आप बहुत सिंपल है, आपको लैम्डा की यूनिट पता है, सेंटीमीटर है या नैनोमीटर है या माइक्रोन है या फिर माइक्रोमीटर है, तो उसका इन्वर्स कर दीजिए। फॉर एग्जांपल अगर हम सेंटीमीटर में करते हैं तो यूनिट क्या हो जाएगी न्यू बार की, सेंटीमीटर इन्वर्स। अगर हम मीटर में ले रहे हैं तो मीटर इन्वर्स, अगर नैनोमीटर में ले रहे हैं तो नैनोमीटर इन्वर्स। इन दिस वे आप वेव नंबर को समझा सकते हैं। सो लेट्स सी दी नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज़ एम्पलीट्यूड। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स दी फिफ्थ प्रॉपर्टी, फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक विच इज़ एम्पलीट्यूड। सो स्टूडेंट्स एम्पलीट्यूड वर्ड से हमें समझ में आ जाता है कि क्या है। तो आप जानते हैं कि कोई भी एनर्जी इस तरह से मूव करती है, तो ये जो हाइट है ऑफ द क्रिस्ट और जो डेप्थ है ट्रफ का, इसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ये जो हाइट है क्रिस्ट की और जो डेप्थ है ट्रफ का, इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। आप डेप्थ को भी कंसीडर कर सकते हैं, आप हाइट को भी कंसीडर कर सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इट इज़ डिफाइंड एज द
height of the crest or depth of the trough. ओके तो हम हाइट की बात कर रहे हैं, डेप्थ ऑफ द ट्रफ ऑफ अ वेव, किसी भी वेव की हम बात कर रहे हैं ना. तो ये तो हो गई डेफिनेशन, समझ में आ गया हम हाइट की बात कर रहे हैं या फिर डेप्थ की बात कर रहे हैं, और इसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं. ठीक है, अगर एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने आपको डायग्राम में बता दिया है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय स्मॉल ए. ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात बच्चों आपको ध्यान रखना है कि जो एम्पलीट्यूड है ये डिसाइड करती है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन. इसका मतलब ये क्या करता है, ये डिटरमाइन करता है, डिटरमाइन द इंटेंसिटी. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, क्या डिटरमाइन करता है, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन. ओके तो ये इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन को डिटरमाइन करता है. अगर हम इसका फॉर्मूला डिराइव करें तो बच्चों उसका जो फॉर्मूला है, अगर मैं इंटेंसिटी को ए से कोरिलेट करूं तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ए स्क्वायर. इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के. ठीक है, तो जितना ज़्यादा आपका इंटेंसिटी होगा उतना ही ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा. ठीक है, अब नेक्स्ट बात आपको क्या ध्यान रखनी है बच्चों, सबसे इम्पॉर्टेंट कि जो नोड है, नोड कौन से एम्पलीट्यूड पे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है नोड कौन से एम्पलीट्यूड, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं नोड जीरो एम्पलीट्यूड पे होता है. तो आप जो नोड होता है, नोड इज प्रेजेंट एट जीरो एम्पलीट्यूड. ठीक है, नोड पे जो एम्पलीट्यूड होता है वो जीरो होता है. ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है. तो बस बच्चों इतनी सी कैलकुलेशन है अबाउट द एम्पलीट्यूड. तो जो एम्पलीट्यूड है ये एम्पलीट्यूड क्या होता है, इट इज़ हाइट ऑफ क्रिस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ ऑफ अ वेव. ठीक है, इसको ए से डिनोट करते हैं और ये डिसाइड करता है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन. रिलेशनशिप क्या है, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ए स्क्वायर, और नोड पे क्या एम्पलीट्यूड होता है, नोड पे जीरो एम्पलीट्यूड होता है. ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया है. अब हम एक लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट आई थिंक वी शुड नो, तो वो है टाइम पीरियड. ओके तो लेट्स सी अबाउट द टाइम पीरियड. तो बच्चों टाइम पीरियड का बहुत सिंपल मतलब है, टाइम पीरियड मतलब इट इज़ अ टाइम टेकन बाय अ वेव टू कंप्लीट वन साइकिल. पूरा एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए वेव को कितना टाइम लगा, पूरा एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए वेव को कितना टाइम लगा, उसको हम क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड. तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, इट इज़ अ टाइम टेकन बाय दी वेव, टाइम टेकन बाय दी वेव टू कंप्लीट वन साइकिल. या तो आप वन साइकिल बोल सकते हैं और वन वाइब्रेशन. ठीक है, पूरा एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए, एक वेव कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, उसको हम टाइम पीरियड बोलेंगे. इसको बच्चों हम टी से डिनोट करते हैं, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय टी. एंड फॉर्मूला क्या है, टी इज इक्वल्स टू वन अपॉन न्यू. फॉर्मूला इज टी इज इक्वल्स टू वन अपॉन न्यू. तो बच्चों इतनी सी बात थी कि टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड इज अ टाइम टेकन बाय अ वेव टू कंप्लीट वन साइकिल. और फॉर्मूला क्या है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू न्यूट, इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू फ्रिक्वेंसी. सो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन. वी हैव स्टडीड अबाउट द वेव लेंथ, फ्रिक्वेंसी, वेलोसिटी, वेव नंबर, एम्पलीट्यूड एंड द लास्ट वन इज टाइम पीरियड. ओके, इन द लास्ट आई एम गोइंग टू गिव यू द समरी ऑफ दीज ऑल पॉइंट्स. सो जस्ट मेक नोट्स एंड बी रेडी फॉर योर नेक्स्ट वीडियो. Till then, please take care of yourself and be safe at your home.